राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों एक हेवल्स कंपनी का स्ट्रीट एड है जिसको मैं रिपेयर करने जा रहा हूँ। आपको बताया था दोस्तों कि एक जो पीसीबी आप देख लो ड्राइवर पीसीबी एक्चुअली पीसीबी डेड है। ओके दोस्तों इसको क्या होता है डेड पीसीबी को कैसे रिपेयर करते हैं और छोटी छोटी सी इसमें प्रॉब्लम आती रहती है तो आप भी घर पर इसको रिपेयर आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको बताया था दोस्तों कि यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ ए समझ लो इनपुट पॉइंट यानी मेन पावर सप्लाई यहाँ से इन होगा और यहाँ पर आपको डीसी आउटपुट मिलेगा जो यहाँ पर एलईडी यहाँ पर देख सकते हो एलईडी यहाँ पर लगे हुए हैं इसको इसको ऑन कराने के लिए। ओके दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो कि हमको आउटपुट जो करेगा 47 वोल्ट आउटपुट करेगा और यहां पे करंट आप देख सकते हो 200 मिली एम्पियर करंट क्या है कंज्यूम करेगा यहां पे एलईडी। तो दोस्तों इसमें अच्छी खासी प्रकाश आती है क्योंकि स्ट्रीट लाइट है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें एक्चुअली क्या होता है कि अभी बरसात के दिन था तो इसमें पानी इसमें घुसने की वजह से नहीं पानी अंदर जाने की वजह से इस समझ लो पावर सप्लाई में प्रॉब्लम आ गया। ओके तो सबसे पहले इसमें इसको चेक कैसे करते हैं इसको रिपेयर करते हैं कैसे करते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इसमें कौन कौन से कंपोनेंट जो है इसमें प्रॉब्लम करते हैं। ओके तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे न्यूट्रल और यहाँ पे फेस सप्लाई यहाँ से इन करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चेक करते जाएंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से सप्लाई आ रहा है कहाँ से सप्लाई नहीं जा रहा है। तो हम यहाँ से सीधे इसको सीरीज में सप्लाई देंगे और सीरीज में सप्लाई देने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे अपने मल्टीमीटर को क्या करना है 600 यहाँ पे एसी रेंज में सेट कर लेना है। और आपको क्या करना है जो मेन आपका सप्लाई है मेन सप्लाई तो यहाँ पे चेक कर ही लेंगे यहाँ पे मेन सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेन सप्लाई हमको यहाँ पे मिल रहा है। ओके यहाँ पे हम क्या करेंगे मेन सप्लाई को एक बार चेक कर लेते हैं तो हमको यहाँ पे मेन सप्लाई मिल रहा है। दोस्तों फिर क्या करेंगे सीधे आपके यहाँ पे देख सकते हो एक ब्रिज एक्टिफायर डायोड लगा होगा जो स्मॉल में है यहाँ पे। तो ब्रिज एक्टिफायर डायोड होता है जो इंडक्शन में आप ब्रिज देखते हो सेम वैसे ही इसका सिद्धांत है। दोनों वाला बीच वाला जो पॉइंट है ये एसी सप्लाई का है। ओके यहाँ पे दोनों जो बीच वाला देख रहे हो पॉइंट एसी सप्लाई का है और ये हमारा प्लस होगा ये हमारा माइनस होगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ ये पॉइंट है हमारा एसी का तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे नहीं आ रहा है। ओके ये वाला सप्लाई हमको नहीं मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों क्यों नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले यहाँ से करते हैं यहाँ से यहाँ एक यहाँ पे क्या लगा हुआ है देखिए थोड़ा सा तो यहाँ समझ लो यहाँ से यहाँ पे एक लगा है फ्यूज यानी फ्यूजेबल यहाँ पे एक छोटी सी फ्यूज लगी यहाँ पे लिखा भी है FD1 यानी फ्यूज एक प्रकार का फ्यूज का काम करता है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा रहता है कितना एम्पियर का लगा होगा और यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने की कोशिश करूँगा तो समझ लो लगभग में 2.5 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है यहाँ पे लिखा भी है 2.5 एम्पियर। तो सबसे पहले दोस्तों इसको क्या करेंगे छोटी सी वायर लेके इसको बाईपास करके देखते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे क्या किया फ्यूज को बाईपास कर दिया जो फ्यूज हमारा क्या हो गया था ओपन हो गया था। दोस्तों अगर ये सब समझ लो अगर पावर सप्लाई या समझ लो एलईडी ड्राइवर कुछ भी अगर आप रिपेयर करते हो तो आपके पास सीरीज बोर्ड होना बहुत जरूरी है। ओके इसमें आपकी पीसीबी की सावधानी और आपकी सावधानी के लिए बहुत बेस्ट मानी जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करूँगा सीरीज में सप्लाई दूंगा और सप्लाई जैसे इसको दे रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारा सीरीज बल्ब क्या ग्लो हो रहा है। पहले क्या हुआ एक्चुअली कि हमारा जो यहां से फ्यूज ओपन होता है तो इसके नाम से क्या हो रहा था यहां पे करंट आगे भाई यहां पे नहीं आ रहा था लेकिन जैसे फ्यूज को मैंने यहां पे बाईपास कर दिया फ्यूज को यहां पे समझ लो लगा दिया तो क्या होता है करंट आगे आ गया। तो जैसे ही यहां पे करंट वोल्टेज आने लगा तो समझ लो यहां पे हमारा क्या कुछ ना कुछ कंपोनेंट यहां पे शॉर्टिंग बताने लगा। तो सबसे पहले दोस्तों क्या शॉर्टिंग होता है आपको मैं यहां से बता देता हूं थोड़ा सा गौर से यहां पे देखेंगे तो यहां पे देख सकते हैं यहां पे बहुत सारे मूव लगे हैं यहां पे बहुत सारे मूवी लगे हुए हैं और यहां पे आप देख सकते हैं कि एक एमओवी जो है यहां पे आउटपुट में लगा है ये हमारा जितने लगा है सब एसी के इनपुट में लगा है लेकिन ये क्या होता है डीसी के आउटपुट में लगा हुआ है। ओके दोस्तों ये क्या हुआ है समझ लो एमओवी जो है ये हमारा क्या हुआ ऑलरेडी खराब हो गया है। तो यहां पे जो जैसे मान लो एमओवी शॉर्ट हो जाती है तो किस कारण से शॉर्ट होती है हो सकता है हाई वोल्टेज आएगा इसकी वजह से शॉर्ट होती है या समझ लो डीसी के आउटपुट में लगा होगा तो यहां पे हो सकता है समझ लो ये ब्रिज एक्टिफायर डायोड शॉर्ट हो जाने की वजह से एमओवी शॉर्ट हो सकती है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों क्या करूंगा यहां से कि मैं एमओवी को बाहर निकाल लेता हूं इसको एमओवी को बाहर निकालने के बाद से फिर से इसको एसी सप्लाई में चेक करेंगे। दोस्तों इसको मैंने एमओवी को बाहर निकाल लिया अब फिर से बाहर निकालने के बाद फिर से इसको एसी सप्लाई देंगे तो देखेंगे दोस्तों फिर से हमारा बल्ब क्या ग्लो हो रहा है। ओके तो दोस्तों बल्ब जब भी हमारा सीरीज बल्ब ग्लो हो रहा है तो इसका मतलब पीसीबी के अंदर में कुछ ना कुछ शॉर्टिंग है। तो अगर शॉर्टिंग को दूर करने के लिए इसमें 2-3 कंपोनेंट जो हो सकता है शॉर्टिंग हो सकता है सबसे इंपॉर्टेंट पहला हो सकता है आपका समझ लो ये हमारा वी एक्टिफायर डायोड क्योंकि सबसे ये हमारा इनपुट में ही शॉर्टिंग बता रहा है। तो दोस्तों क्या करेंगे वी एक्टिफायर डायोड को समझ लो जो दोनों बीच वाला पॉइंट होता है इसको ओपन कर सकते
सकते हो या इसको बाहर निकाल सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे वी एक्विफर डायोड को मैं क्या करूँगा, इसको बाहर ही निकाल लेता हूँ। दोस्तों आप जब भी मान लो अगर नए हो इस लाइन में, अगर बाहर निकालते हो तो आप निगेटिव और पॉजिटिव देख के निकाले करो, क्योंकि आपको समझ लो अगर जो इसका एक काम करते हैं जिसका एक्सपीरियंस है उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मान लो पहली बार इसको पीसीबी को खोलते हो अगर देखते हो तो आप यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव देख के निकाले करो। ओके दोस्तों, इस पीसीबी से मैंने यहाँ पे रेक्टिफायर डायोड को बाहर निकाल लिया। रेक्टिफायर डायोड को बाहर निकालने के बाद दोस्तों अब क्या करेंगे, इसको सीरीज में सप्लाई देंगे। तो जैसे इसको मैं सीरीज में सप्लाई दूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा सीरीज बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो हमारे यहाँ रेक्टिफायर आप देख रहे हो ये रेक्टिफायर हमारा कुल मिला के शॉर्ट है। तो दोस्तों ये रेक्टिफायर शॉर्ट को कैसे चेक करेंगे मीटर में, और इसको सीरीज में चेक करने का आपको मैं टेक्निक बता रहा हूँ। दोस्तों जो ये रेक्टिफायर देखते हो ये नॉर्मली आपका समझ लो सेम जैसे इसमें देखते हो, दोनों बीच वाला जो आप पॉइंट यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे दोनों बीच वाले पॉइंट पे एसी सप्लाई इन होता है, और यहाँ पे समझ लो जो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ से दोनों डीसी सप्लाई आउटपुट होगा। तो इसको एसी पॉइंट अधिकतम शॉर्ट होता है, डीसी पॉइंट नहीं होते। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीमीटर को दोनों जो बीच वाला पॉइंट है इसमें हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी यहाँ पे डायोड मोड में सेलेक्ट कर लेंगे अपने मल्टीमीटर को यहाँ पे, और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बीच वाले पॉइंट को यहाँ पे चेक करूँगा। यहाँ पे दोनों पॉइंट को मैं यहाँ पे देखता हूँ तो देख सकते हैं कि इसमें कुछ रेजिस्टेंस शो कर रहा है। दोस्तों ये दो प्रकार का शॉर्ट होता है, एक होता है हाफ वे शॉर्ट और एक होता है फुल वे शॉर्ट। कहने मतलब दोस्तों कभी कभी ये पूरा शॉर्ट हो जाता है, अगर पूरा शॉर्ट रहेगा तो आपका जो 200 वाट का बल्ब था पूरा ग्लो करेगा, लेकिन हाफ ग्लो हो रहा था तो इसका मतलब हाफ वे शॉर्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों टर्मिनल पर जैसे मैं टच कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है, जो यहाँ पे ब्रिज एक्टिफायर डायोड को एसी पॉइंट को रेजिस्टेंस शो नहीं करना चाहिए। ओके फिर यहाँ पे जस्ट अपोजिट करके कभी कभी चेक करना पड़ता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। यानी इसको दो प्रकार के चेक करते हैं, इसका डिटेल्स वीडियो में इंडक्शन का जो ब्रिज के बारे में बताऊंगा ना उसमें जरूर बताऊंगा आपको। ऐसे चेक करेंगे तो आपका सही बता रहा है, लेकिन जस्ट अपोजिट करोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बता रहे, समझ लो एक पॉइंट यहाँ पे शॉर्ट हो गया, इसमें दो समझ लो एक पॉइंट शॉर्ट हो गया है। ओके अब दोस्तों अभी हमारे पास फिलहाल तो इस टाइप का ब्रिज एक्टिफायर डायोड नहीं है, लेकिन जो इंडक्शन में स्मॉल वाला ब्रिज रखता है तो इसको आप लगा के चेक कर सकते हैं, इसको लगा के मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग मैं समझ लो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ वाला काम करना पड़ेगा, तो लगभग यहीं पे बैठ जाएगा, क्योंकि ये भी समझ लो 6 से 8 एम्पियर में यूज आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले क्या करेंगे दोस्तों, नॉर्मली इसको मैं बाहर से लगा के चेक कर लेता हूँ। ओके दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रेक रिफर डायोड को क्या किया, यहाँ पे माउंट कर दिया हूँ पीसीबी के अंदर में। अब दोस्तों मल्टीमीटर को क्या करना है, यहाँ पे आपको डीसी रेंज में सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप मान सकते हो जैसे यहाँ पे 600 वोल्ट डीसी में मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे सप्लाई देंगे इसको, तो सप्लाई देंगे और सप्लाई देने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, आउटपुट सप्लाई को चेक करेंगे। यहाँ पे एलईडी का जो लोड वाला सप्लाई लेगा तो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है, तो इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको वोल्टेज यहाँ पे 45 से 46 वोल्टेज करेक्ट मिलेगा, और इस लगभग 47 वोल्टेज आउटपुट इसका है और 200 मिली एम्पियर है। ओके तो हमको यहाँ पे आउटपुट सप्लाई मिलने लगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको लोड पे लगाएंगे। लोड पे करने का मतलब दोस्तों नॉर्मली तो वोल्टेज हमको आउटपुट मिल रहा है, बट इसको इसके एलईडी जो यहाँ पे देख सकते हो इसको लोड देंगे, यानी इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद कन्फर्म पता चलेगा कि हमारा पीसीबी ओके है कि और इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया। ओके दोस्तों यहाँ पे मैं पीसीबी के अंदर में यहाँ पे रेक्टिफायर डायोड को यहाँ पे समझ लो माउंट कर दिया। अब माउंट करने के बाद दोस्तों क्या करूँगा, यहाँ पे इसको सीरीज में सप्लाई दूंगा। तो फिर से मैं यहाँ पे दोस्तों क्या करता हूँ, सीरीज में सप्लाई दे देता हूँ, और सप्लाई देने के बाद दोस्तों अब क्या करेंगे, हमारा जो इनपुट सप्लाई यहाँ से इन होने लगा। अब आउटपुट सप्लाई चेक करेंगे, कितना वोल्ट चेक करेंगे, 47 वोल्ट। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे निगेटिव या डीसी सप्लाई चेक करेंगे, तो आप देख सकते हो कि हमको यहाँ पे सप्लाई मिलने लगेगा, यहाँ पे डीसी सप्लाई हमारा आने लगेगा। ओके यहाँ पे देख सकते हो 45 वोल्ट करेक्ट मिलने लगा। ओके सप्लाई आउट होने के बाद दोस्तों अभी आपको एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, मान लो इस लाइन में आप नए आए हो तो वहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होगा, यहाँ पे देख सकते हो एक कैपेसिटर लगा होगा, जो लगभग में एक कैपेसिटर ये कितना का है, 50 वोल्ट का है। ओके एक कैपेसिटर में बहुत सारे करंट यहाँ पे स्टोर हो गए होंगे, तो इसको क्या करूँगा, पहले डिस्चार्ज करना होगा। अगर मान लो अगर ऐसे आपको टच कर लोगे ना तो बहुत सारा शॉक लगने की बहुत संभावना है। देखना यहाँ पे मैं क्या करूँ, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करूँगा, यहाँ पे कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लिया। ओके ये देखिए दोस्तों, आपके पास अगर 0 वाट का बल्ब रहता है तो 0 वाट के बल्ब से यहाँ पे डिस्चार्ज किए करो, रिक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों लगभग मैं मान लो अगर कैपेसिटर यहाँ पे समझ लो चार्जिंग हो रहा है और यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे डिस्चार्ज जो किए हुए करेंट है और जो हम यहाँ पे वोल्टेज चेक किए हैं, यानी दोनों यहाँ पे उपलब्ध है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लोड दे देंगे, जो हमारे एलईडी यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं क्या करूँगा, ज्वाइन कर दूँगा, यहाँ पीसीबी से माउंट करूँगा, तो 100% आपका बल्ब यहाँ पे ग्लो होगा, अगर यहाँ पे बल्ब आपका सही रहेगा तो। ओके
दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको निगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे मैंने माउंट कर दिया एलईडी का। ओके अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। यहाँ पे सप्लाई देने के बाद दोस्तों देखते हैं कि हमारे जो एलईडी जो यहाँ पे लगा हुआ है ग्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एलईडी हमारा ग्लो होना शुरू हो गया है। ओके दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी आपके पास छोटी छोटी प्रॉब्लम रहती है तो आप इसको पहले एक बार खोल के देख लिया करो। मैं भी इस चीज़ को रिपेयर नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत दिन से पड़ा था, मैंने ट्राई कभी नहीं किया इसको रिपेयर करने के लिए। मेरे को लगा पीसीबी खराब हो जाता होगा तो शायद रिपेयर नहीं, लेकिन जैसे इसको खोल के देखा तो छोटी सी प्रॉब्लम आई थी यहाँ पे, ओनली फॉर यहाँ पे एमओबी जो हुआ था शॉर्ट हो गया था। दोस्तों अब यहाँ पे क्या करेंगे, एमओबी तो मार्केट में देखेंगे, अगर मार्केट में एमओबी मिल जाएगा तो ठीक है, बिना एमओबी को इसको यूज कर सकते हैं। और जो ब्रिज एक्टिफायर डायोड है इसको मैं क्या करूँगा, छोटे साइज को मार्केट में खोजने की कोशिश करूँगा, अगर नहीं मिलेगा तो इसी को मैं एडजस्ट यहाँ पे करके लगा सकता हूँ। ओके दोस्तों अगर आपके घर के नज़दीक जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप होते हैं, आपके मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक शॉप जो होता है वहाँ पे इंडक्शन का कंपोनेंट अवेलेबल नहीं होता है, तो मेरे से आप घर बैठे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। दोस्तों इसका प्रोसेस क्या होता है, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ और इसका प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि कैसे ऑर्डर करना है। ओके दोस्तों क्या करना है, आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे rajinduction.com को सर्च करना है। जैसे वहाँ पे सर्च करोगे तो वहाँ पे मेरा एक वेबसाइट खुलेगा, वहाँ पे शॉप नेम में जाना है। शॉप नेम में जाने के बाद दोस्तों मेरे को देख सकते हो ऊपर में ओरिजिनल IGBT, ओल्ड IGBT, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, जितने सारे इंडक्शन के कंपोनेंट होते हैं मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे, और कितना प्राइस में कितनी क्वांटिटी लेनी सब वहां पे लिखा रहता है। दोस्तों अब ऑर्डर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑर्डर यहां पे ऑर्डर लिस्ट बनाना पड़ेगा कॉपी पेन में, और मेरे को वहां पे व्हाट्सएप देखते हो वहां पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। दोस्तों आप जैसे ही मेरे कंपोनेंट का ऑर्डर मेरे पास करते हो तो 6 घंटे के अंदर मैं आपको एक बिल सेंड करूंगा, जो आपको बिल को वहां पे देखना है। अगर मान लीजिए मेरे ऊपर भरोसा होगा तो पहले पैसा पे करना पड़ेगा। अमाउंट पे करने के लिए दोस्तों बिल के नीचे में आप देखेंगे कि वहां पे मेरा अकाउंट नंबर फोन पे गूगल पे अवेलेबल है। तो दोस्तों अमाउंट पे करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो एड्रेस और लोकेशन आपको मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना पड़ेगा। 10 से 15 दिन के अंदर में आपके घर तक आपका सामान पहुंच जाएगा। ओके दोस्तों आज के वीडियो के लिए दिल से धन्यवाद, मैं राज।